आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। देखो दोस्तों, हमें यह प्रश्न देखा कि निम्नलिखित प्रश्नों में कुछ कथन प्रश्नों के आगे तीन चार निष्कर्ष एक दो तीन चार आप सामान्यतः ज्ञात तथ्यों में अंतर होने पर भी कथनों की पड़ताल सत्य समझकर कीजिए, यानी कथनों को क्या मानना है, हमें सत्य मानना है। आप तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों या तर्कों में से कौन सा यदि हो तो दिए गए कथनों से निकलता है, यानी उसके आधार पर सही होता है। अब देखिए, हमें यहाँ पे ये कथन दे रखा है, यानी ये प्रश्न है, उसके बाद में ये हमें तर्क या निष्कर्ष दे रखे हैं और इसके आधार पर हमें चार विकल्प दे रखे हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये दोस्तों हमारा चौथा विकल्प। अब देखो, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, जो कथन है या जो प्रश्न है, क्या व्यावसायिक विषयों में भर्ती के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षाएं समाप्त कर देनी चाहिए, कर दी जानी चाहिए, यानी जो व्यावसायिक परीक्षाएं जैसे इंजीनियरिंग के अंदर लेना हो, यानी इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन लेना हो, यानी बीटेक के अंदर अगर एडमिशन लेना हो, एमबीए के अंदर अगर एडमिशन लेना हो, ठीक है, और इसके अलावा हमें बीटेक, एमबीए और डॉक्टर यानी एमबीबीएस के अंदर अगर हमें एडमिशन लेना हो, तो इसके लिए जो प्रवेश परीक्षाएं हैं इनको निरस्त कर देना चाहिए, ये प्रश्न है हमारा सामने। अब तर्क क्या है कि हाँ, इसमें धन की बचत होगी। अब मान लो बीटेक, एमबीए और एमबीबीएस परीक्षाओं के लिए अगर मान लो निशुल्क प्रवेश परीक्षाएं करवा दे, तो निशुल्क प्रवेश परीक्षाएं करवा दे या बहुत कम न्यूनतम शुल्क के ऊपर अगर प्रवेश परीक्षाएं करवा दे तो धन की बचत का तो प्रश्न ही नहीं उठता, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। अब दूसरा कह रहा है, हाँ परीक्षा में अच्छे प्राप्त किए थे, प्रवेश परीक्षा में उतना अच्छा अंक नहीं प्राप्त कर पाते। अब विशेषक परीक्षा का मतलब क्या हुआ, बोर्ड एग्जाम। विशेषक परीक्षा का मतलब क्या हुआ, बोर्ड परीक्षा या बोर्ड परीक्षा, हमारा बोर्ड पेपर। तो इसके अंदर जिसने अच्छे अंक प्राप्त किए वो उतना अच्छा अंक प्राप्त नहीं कर पाते, ये सत्य नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि जो बोर्ड के टॉपर होते हैं वो प्रवेश परीक्षा में भी काफी बार क्या करते हैं, टॉप करते हैं, अच्छा करते हैं, तो ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। अब तीसरा निष्कर्ष क्या कहता है या तीसरा तर्क क्या कहता है कि हाँ, ग्रामीण परिवेश, यहाँ क्या आ गया, ग्रामीण परिवेश आएगा, ग्रामीण प्रणयसी सामान्य परिवेश परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाते, यानी ग्रामीण क्षेत्रों के जो स्टूडेंट है या फिर विद्यार्थी है वो इसके अंदर अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाते, तो ये क्या है, ये भी असत्य है। क्यों, क्योंकि अच्छे अंक वो प्राप्त करेगा, परिवेश से कोई अर्थ नहीं है, अच्छे अंक वो प्राप्त करेगा जिसने अच्छी तैयारी की है या जिसके अच्छा ज्ञान है, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। अब चौथा कहता है कि ये परीक्षाएं क्या होती चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विभिन्न बोर्ड और विश्वविद्यालयों की विशेषक परीक्षा यानी बोर्ड परीक्षा में प्राप्त अंक एक समान व तुलनीय नहीं होते, ये बात सत्य है। क्यों, क्योंकि विभिन्न बोर्ड एग्जाम जैसे राजस्थान, गुजरात जैसे विभिन्न राज्यों के जो बोर्ड एग्जाम होंगे उनके जो एक समान जो अंक होते हैं वो समान नहीं रहते, क्योंकि किन्हीं बोर्ड एग्जाम में कम अंक प्राप्त होते हैं, किसी बोर्ड एग्जाम में अच्छी मार्किंग होने से आसानी से अंक प्राप्त होते हैं, तो ये हमारा कथन क्या है, ये तर्क सही है, क्योंकि बंद नहीं होने चाहिए व्यावसायिक परीक्षाएं। इससे क्या होगा कि सेम लेवल पर अगर, सेम आधार पर अगर एग्जाम होंगे तो उनके ज्ञान के बारे में हमें पता चलेगा, विद्यार्थियों के ज्ञान के बारे में। तो जो हमारा चौथा जो तर्क है वो क्या है, युक्ति संगत है। तो हमें दे रखा, देखो केवल चौथा युक्ति युक्त है, यानी केवल चौथा तर्क है वो युक्ति युक्त है, तो विकल्प नंबर तीन हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।